सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा श्री राम वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिवोवाच। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देवा प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनम् मया तवेव स्नेहेनाप्यम्बास्तुति प्रकाश्यते। ॐ वत्स श्रीदुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगा। ॐ ज्ञानिनामभिजेतांसि देवी भगवती हिता बलाराकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं चेशयन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखवैहारिणी कातुदण्ड्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृढचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थिहरे देवी नारायणी नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। रोगान् शेषानपहंसि दुष्टा दुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् वामाश्रितानां त्वामाश्रिताया श्रेयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाभ्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव तया कार्यम् अस्मद्धरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनि आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणि पिनाकधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपाचिताचिरि सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भावनि भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या
कन्या दक्ष यज्ञ विनाशने अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलापति परिदान कलमञ्जेरञ्जनि अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वरदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा मुनिपूजिता रामी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराहे लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हननी महिषासुरमर्दिनी नदो केतव हन्त्रे च चण्डमुण्ड विनाशनि सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातनि सर्वशास्त्रमयि सत्या सर्वात्र धारणी तथा अनेकशास्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशोरी युवती यति अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी गौररूपा महाबल अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रे तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं ब्रह्मणे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् न साभ्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुरं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरी पूजयेत् परया भक्त्या पठे नाम सदाशिवम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरेरपि राजानो दासतां जाति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गौरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्तरेण विलिख्य यन्त्रं विलीना विलिख्य भवेत् सदा धार्यते पुरारि गोमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतदिशां गते विलिख्य प्रपटे स्तोत्रं सामवे सम्पदां पदा। सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों का माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की प्रातःकालीन आरती का पवित्र समय है। इस दिव्य गुफा के अंदर परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है तथा आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण निहित है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि माँ भगवती की अपार कृपा से आज माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की स्तुति करने का पाठ करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। जीवन में इस प्रकार के अवसर बार बार नहीं आते। हमारे द्वारा पूर्व जन्मों में किए हुए जो पुण्य कर्म हैं उन्हीं के फलस्वरूप हमें इस प्रकार के अवसर जीवन में प्राप्त होते हैं। जब हम संसारिक बंधनों को उनसे हटकर
माँ भगवती के चरणों की ओर हमारा मन जो है प्रेरित होता है और उस समय हमारे मन में इस प्रकार के सद्विचार आते हैं कि क्यों ना कोई हम यज्ञ करें, दान करें, पुण्य करें, तीर्थ यात्रा करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि जब तक हमारे मन में पाप विद्यमान होते हैं तब तक हम सत्कर्मों से दूर रहते हैं और वह पाप कर्म हमें सत्कर्म नहीं करने देते, और जब हमारे पुण्य का उदय होता है तो हमारा मन जो है सत्कर्मों में अपनी ओर अपने आप लग जाता है। जैसा कि किसी व्यक्ति को अगर ताप हो जाए, बुखार हो जाए, तो उसे हम कैसे भी पदार्थ अच्छे अच्छे देंगे तो वह खाने से मना करेगा, और वही व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाता है तो उसे हम जो भी खाने के लिए देते हैं वह उसे बड़े आनंद के साथ ग्रहण करता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में पूर्व जन्म में किए हुए जो पाप कर्म हैं वह हमें सत्कर्मों से दूर रखते हैं। तो आरती के समय का बहुत बड़ा महत्व है। आरती के समय समस्त देवतागण मां भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए सूक्ष्म रूप से मां भगवती के चरणों में उपस्थित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं और मां भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ हमें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मां भगवती के चरणों में बैठकर जिन स्तोत्रों द्वारा हम मां भगवती की स्तुति करते हैं वे स्तोत्र परम कल्याणकारी हैं। उनका प्रतिदिन पाठ करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, दुखों का नाश होता है और अनेक प्रकार की जो व्याधियां हैं वह दूर होती हैं। तो सभी शरणागत भक्तजनों से निवेदन है कि मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। अथ देव्या कवचम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दा चामुंडा देवता अंगण्यासोक्तमातरो बीजं दिगवंद देवता सत्वं श्री जगदंबा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जन्मकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्या तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व मामुने प्रथमं जलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति दुर्धकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महाघोरीति चाश्रमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्करे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि जेस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिर्जायते जे त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशया
प्रेत संस्थासु चामुंडा वाराही महिषासन इंद्रे गज समारूढ़ा वैष्णवे गरुडासन माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी सुखवाहन लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया चेतरूपा धरा देवी ईश्वरी वृषवाहन ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानावर्ण शोभार्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्या क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलाजुलं केरकं दमरं चैव परशुं पाशमेव च कुण्टायुधं त्रिशूलं च चारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्या च दानीतं देवानां च हिताय वे नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्रायीमां देवि दुष्ट्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धने प्राचारक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराहि नैरित्यां गर्गधारिणि प्रतीच्याम्बारुणि रक्ष वायव्यामृगवाहिनि उदीच्यां पादुकौमारी ईशान्यां चूलधारिणि पूर्वं ब्रह्माणि नैरक्षे ददस्तान्वेष्टवीतवा एवं नष्टिशो रक्षे चामुण्डा शववाहन जया मे जाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठदा वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामद्योतनी रक्षेतुमामूर्ति व्यवस्थिता मालाधरीललाटे च भ्रुवोर्रक्षे च शस्वनि त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये चमघण्टा च नासिके शङ्खनि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनि कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका ग्रन्थिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवञ्चे तनोदरि नीलग्रीवा वै कण्ठे नलिका नलकोवरि स्कन्दयो खड्गणि रक्षे बाहु मे वज्रधारिणि हस्तयोर्दण्डणि रक्षे अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखान् शूलेश्वरि रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरि स्तनो रक्षे महादेवि मनः शोकविनाशिनि हृदय ललिता देवि उदरे शूलधारिणि नाभोजकामणि रक्षे गुह्यां गुह्येश्वरि तदा भूतना कामिकामेदं गुदे महिषवाहिनि कटया मृगवती रक्षे जानुनि विन्द्रवासिनि जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनि गुल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षे पादास्थलवासिनि नखादृशाकराली च केशाञ्जेवोद्वकेशिनि रोमकूपेषु गोभेरि त्वजं भागेश्वरी तदा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वति अन्त्राणि कालरात्रि च वित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावति पद्मकोशे कभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि रे रक्षे छायां छत्रेश्वरि तदा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापान तथा व्याणमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगणि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आजु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी जशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणि
गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष्य पशुर्मे रक्ष्य चण्डिके पुत्राणि रक्ष्य महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थाणां सुभदा रक्ष्य मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षायैनं दुरस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष्य मे देवी जयन्ती पापनाशिनि फलमेकं न गच्छेतु जलेच्छेषु मात्मना कवचेनावृतामृतं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकामिका जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर मधुरं प्राप्यते भूतले भुवान् निर्भयो जायते मर्त्यो सङ्ग्रामेषु पराजिता त्रैलोक्ये सुभवे पूज्या कवचेनावृता पुमान् इदं भूतेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जापणे त्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सत्यान्विता देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोसा विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि सदृशम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतल भूचरा केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहज कुलजामाला डाकणी शाकणी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डावेरवादया नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नेत्रभुवेराज्यस्तेजो वृद्धिकरं वरम् जतुसावर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं गत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं दत्ते सशैलमनकारणं तावद्दिष्टतिरेण्यं सन्तति पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन समोदते अथ अर्गलास्तोत्रम् अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मारकण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनि दुर्गा च वा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूताधिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्ते मधुकेणव मित्राभि मित्रात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुकृते नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि द्विषो देहि रक्तबीजपते देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि शुम्भश्चैवन शुम्भश्च धूम्राक्षस्य च वर्धिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि अचिन्त्यरूपचरते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो देहि न देव्याः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो देहि सुवत्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो देहि चण्डिके सततं जेत्वा मर्चयन्ति भक्तिदा रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो देहि
దేహి సౌభాగ్యం ఆరోగ్యం దేహి మే పరమం సుఖం రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి విదేహి ద్విజరామ్రాజం విదేహి బలముచ్చకై రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి విదేహి దేహి కళ్యాణం విదేహి పరమాంశ్రియం రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి సురాసురశిరోరత్న నికృష్ట చరణయమ్రిగే రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి విద్యావంతం జశోవంతం లక్ష్మీవంతం జనం కురు రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి ప్రచండ దేత్ర సర్పగణే చండిగే ప్రణదాయ మే రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి చతుర్భుజే చతుర్వక్ర సంస్తుతే పరమేశ్వరి రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి కృష్ణేన సంస్తుతే దేవి శాశ్వత భక్త్యా సదా ప్రియే రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి హిమాచల సుతానాద సంస్తుతే పరమేశ్వరి రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి ఇంద్రాణిపతి సద్భావ పూజితే పరమేశ్వరి రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి దేవి ప్రచండ దోర్దండ దేత్య దర్ప వినాశని రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి దేవి భక్త జనోదామ దత్తానందోదయంబికే రూపం దేహి జయం దేహి జశో దేహి ద్విషో దేహి తదణీ మనోరమాం దేహి మనోవృత్తానుసారిణి తారిణీం దుర్గ సంసార సాగరస్య కులోద్భవాం ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వా తు మహాస్తోత్రం పరేన సాధు సప్తసతి సంఖ్య పరమాపణోతి సంపదా ఓం అథ కీలకం ఓం అస్య శ్రీ కీలక మంత్రస్య శివరి అనుష్ఠుప్ ఛంద శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవత శ్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థ సప్తశతి పాఠాంగత్వేన జపే వినియోగ ఓం నమశ్చండికాయై మార్కండే ఉవాచ ఓం విశుద్ధ జ్ఞాన దేహాయ త్రివేదీ దివ్య చక్షుషే శ్రావణాతి నిమిత్తాయ నమః సోమార్థధారిణే సర్వమేతాద్రియాణీయ మంత్రానామ వికీలకం సోపిషేమం వాప్నోతి సతతం జాప్య తత్పరః సిద్ధయంతు చారణాదీని వస్తుని సకలాన్యపి ఏతేన సువరాం దేవి స్తోత్రమాత్రేణ సిద్ధ్యతి న మంత్రోషధం తత్ర న కించిదమి విద్యతే వినా జాపేణ సిద్ధేత సర్వమోచ్చారణాధికం సమగ్రాణపి సిద్ధ్యంతి లోక శంకామిమామర కృత్వా నిమంత్రయామాస సర్వమేవమిదం శివం స్తోత్రం రే చండికాయాసు తత్ర గుప్తం చకారస సమాప్తిర్న పుణ్యస్య తామ్రతావే నియంత్రణ సోపి క్షేమం వాప్నోతి సర్వమేవం న సంశయ కృష్ణాయాం వా చతుర్దశ్యాం అష్టమ్యాం వా సమాహితా ప్రతిగ్రహణాది నాన్య శేషా ప్రసీదతి ఇత్తం రూపేణ కీలేన మహాదేవేన కీలితం జ్యోనిశ్రీరాం విధాయేన నిత్యం జ్యోతి సంస్ఫుటం సాధిత్రా సాగణా సోపి గంధర్వో జాయతే నరా భయం క్వాపీయజాయతే నాపమృత్యోపశం జాతి మృతో మోక్షమాపుయాత్ జ్ఞాత్వా ప్రారభ్య కుర్వీత న కుర్వాణో వినశ్యతి తతో జ్ఞాతేవ సంపన్నమిదం ప్రారభ్య దేవుదేహి సౌభాగ్యాది కించిత్ దృశ్యతే లలనాయనే తత్ సర్వం తత్ప్రసాదేన తేన జాప్యమిదం శివం క్షణేస్తు జాప్యమాణేస్మిన్ స్తోత్రే సంపతిరుచ్యకై భవత్యేవ సమగ్రాపి తదా ప్రారభ్యమేవ తత్ ఈశ్వరం జత్ప్రసాదేన సౌభాగ్యారోగ్య సంపద
शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सानकिं जने श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम् Yeah.
क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं दुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरे जां गतिं समापनोति न तां ब्रह्मादयासुरा सापरादोऽस्मि शरणं प्रातस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकं अज्ञानान्निस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्योऽहमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्माता सच्चिदानन्द विग्रहे गृहानार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्यादिगुह्यगोत्रीत्वं गृहाणात् सत्कृतं जप सिद्धिर्भव
सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। मोल सांचे दरबार की जय। इस प्रकार माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर हम सब ने एक साथ मिलकर माँ भगवती जी से प्रार्थना की कि हे माँ, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा दान दो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन एक स्वर से श्रद्धापूर्वक माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार अक्षर का 3 बार नाद करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी का आरती का समय है। इस गुफा के अंदर माँ भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। माँ भगवती के रूप का 5.5 फुट का आकार है। केवल शीश रूप में ही माँ भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। माँ भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं। जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके माँ भगवती के चरणों में माँ के दर्शनों के लिए उपस्थित होते हैं। माँ भगवती आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करती हैं, शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य, जिनके द्वारा हम संसार में अनेक प्रकार के सत्कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और अपना तथा दूसरों का कल्याण भी करते हैं। महाकाली हमें शक्ति प्रदान करती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और माँ सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं, हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश करती हैं और इनके बिना हमारा जीवन जो है वह शून्य है। क्योंकि माँ भगवती की माया जो है वह अपरंपार है। बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि उसकी माया से मोहित होकर संसार में भटक जाते हैं। कहा है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा वलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जे भगवती अपनी माया के द्वारा बड़े बड़े ज्ञानियों को मोह रूपी गर्त में डाल देती हैं, हम साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है।
इसलिए माँ भगवती की कृपा के बिना हम संसार में एक पल भी रुक नहीं सकते और बच्चा जब संसार में आता है तो उसे सर्वप्रथम माँ का आश्रय ही प्राप्त होता है। तो इसलिए माँ से हमारा संबंध कभी भी विच्छेद नहीं हो सकता। माँ हमारा पूरा पूरा ध्यान रखती हैं, चाहे अपनी माँ हो, चाहे जगजननी हो, सारे जगत की माँ हो, हम उसकी कृपा के बिना एक पल भी संसार में टिक नहीं सकते। तो माँ भगवती का एक निवारण मंत्र है जिसका प्रतिदिन जाप करने से माँ भगवती की अपार कृपा हमें प्राप्त होती है। सभी भक्तजन उस महामंत्र का जाप करेंगे, सब मिलकर के बोलेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। बोल सांचे दरबार की जय। तो जे माँ भगवती का निवारण मंत्र है, इसके 9 अक्षर हैं और 9 ही माँ भगवती के स्वरूप शास्त्रों में बतलाए गए हैं। एंग जो है ये माँ सरस्वती का बीज है और इसका प्रतिदिन जाप करने से हमारे ऊपर माँ भगवती सरस्वती की अपार कृपा होती है। जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, सद्बुद्धि आती है और पढ़ाई में वह अग्रसर होते हैं। रिंग जो है ये महालक्ष्मी का बीज है और इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से महालक्ष्मी की अपार कृपा हमें प्राप्त होती है और लक्ष्मी की कृपा जब हम पर हो जाए तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जितनी भी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं माँ लक्ष्मी की कृपा से ही होती हैं। इसलिए हम ह्रीं मंत्र के द्वारा माँ लक्ष्मी का जाप करते हैं। क्लीं जो है ये महाकाली का बीज है। महाकाली जो इस संसार के अंदर शक्ति के रूप में विद्यमान है और उनकी शक्ति के द्वारा ही ये सारा संसार जो है वह चलायमान होता है, वह कर्म करता है। बिना शक्ति के एक पत्ता भी अपने स्थान से नहीं हिल सकता। हमारे शरीर के अंदर भी वही शक्ति कार्य कर रही है। जब तक वह शक्ति हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है तो हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं और जब वह शक्ति हमारे शरीर से अलग हो जाती है तो हम निश्चेष्ट हो जाते हैं। हमारा शरीर बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकता। तो इसलिए उस शक्ति की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे और उस शक्ति के द्वारा हम संसार में अनेक प्रकार के सत्कर्म करें, दूसरों की सेवा सहायता करें तो हमारा तथा दूसरों का कल्याण हो सकता है। चामुंडा माँ भगवती का एक नाम है। पूर्व समय में चंडमुंड नामक 2 राक्षस हुए। उन राक्षसों का माँ भगवती ने वध किया और उस समय देवी देवताओं ने माँ भगवती को चामुंडा के नाम से पुकारा। बिच्चे ज्ञान के द्वारा हम इन तीनों महाशक्तियों को, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती,
इन तीनों देवियों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो आज का पंचांग है शुभ संवत 2075 के फाल्गुन मास की 9 प्रविष्टि है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, धृति योग है, गर कर्ण है। तदनुसार 21 फरवरी 2019 बृहस्पति बार के दिन माँ भगवती की अपार कृपा से हमें आरती के समय माँ के चरणों में बैठकर सत्संग करने का, स्तुति करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो माँ भगवती हमें संसार में उसकी माया से मोहित ना हो, इसके लिए हमें माँ भगवती का सदैव जाप करना चाहिए, क्योंकि माया जो है वह बड़ी विलक्षण है। माया का अर्थ है माँ अर्थात नहीं, और या मैंने जो जो हमें दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं, यही माया है। जिसको हम सत्य जानते, सत्य मानते हैं, वह होता नहीं है। फिर भी हमें ये लगता है कि ये सत्य है, यही उसकी माया है। और जैसे मदारी कोई लकड़ी घुमाकर वह बहुत से रुपए बना देता है, परंतु वह सारे रुपए जो हैं वह उसके तथा दूसरे किसी के भी काम के नहीं होते। इसी प्रकार माया जो है वह जो हमें आभासित होता है, जो दिखाई देता है, वास्तव में वह सत्य नहीं है, सत्य कुछ और होता है। कई बार हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया और उसका रहस्य क्या है करने का, उस समय हमें बहुत बुरा लगता है। परंतु जब हमें उसके रहस्य को हम जानते हैं, हमें मालूम होता है, तो तब हम ये मानते हैं कि नहीं, ये उस समय किसी कारणवश कोई आडंब कर रहा था, वास्तव में इसका कहने का तात्पर्य कुछ और था। तो जब हमें तात्पर्य समझ आता है, तब हम वह जो माया जो है वह हमारे से अलग होती है, तभी हम उस तात्पर्य को समझ सकते हैं। तुलसीदास जी ने बड़े ही मधुर सुंदर शब्दों में माया का वर्णन करते हुए कहा है, यत सत्वाद मृषेव भाति सकलम रज्जोर यथा हेर ब्रह्मा। अर्थात रस्सी अंधेरे में पड़ी है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सांप है, वास्तव में वह रस्सी होती है, सांप नहीं होता। और जब हम उस अंधेरे को दूर कर प्रकाश जलाकर प्रकाश के द्वारा उसको देखते हैं, तो हमें जान पड़ता है ये हमारा भ्रम था, ये सांप नहीं रस्सी है। इसी प्रकार हमें सर्प की अनुभूति होती है, सत्य तो रस्सी है, सांप नहीं है, तो यही उसकी विलक्षण माया है। मैया एवं माया दोनों में समान अक्षर हैं। मां और या माया, मैं और या मैया। मैं अर्थात जो मेरी है, या मैंने जो, मैं मैंने मेरी। जो मेरी है वह मेरी माँ है, जो माया है
वह इस संसार में कुछ नहीं है, केवल भ्रम है। तो इसलिए मां भगवती के चरणों में हम सदैव यही प्रार्थना करें कि हे मां, आपकी माया से हम मोहित हैं, हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों के अनुसार हम अनेक प्रकार के दुख जो है हमें प्राप्त होते हैं, और हम ये नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम, परम जाने मातस्त्वद अनुसरणम कलेश हरणम। कि हे मां, मैं ना ही कोई मंत्र जानता हूं, ना ही कोई यंत्र जानता हूं, ना ही मैं आपकी स्तुति करना जानता हूं, ना ही आपका आवाहन ध्यान आदि करना जानता हूं, ना ही किसी प्रकार की कोई आपकी कथा जानता हूं, ना मुद्रा के द्वारा आपकी पूजा करना जानता हूं, ना ही मैं आपके वियोग में विलाप करना जानता हूं, परंतु हे मां, मैं एक बात अवश्य जानता हूं कि आपके अनुसार आपका अनुसरण करने पर, आपके पीछे पीछे चलने से, आपके बताए हुए मार्ग पर अगर मैं चलता हूं तो अवश्य ही आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी। हे मां, इस संसार में अनेक आपके पुत्र हैं, अनेक बच्चे हैं। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवा संति सरला, परम तेषां मध्ये विरल तरलोहम तव सुता, मदीयोयम त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कि हे मां, इस संसार में आपके बहुत से बालक हैं, और उन सब में मैं बहुत ही सरल, मैं कुछ ना जानता हुआ केवल आपका आंचल पकड़कर चलने वाला मैं बहुत ही सरल आपका बेटा हूं। मदीयोयम त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे, हे मां, मेरा इस प्रकार त्याग करना जे आपको शोभा नहीं देता, और हे मां, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बालक अनेक प्रकार की त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, परंतु मां उनकी गलतियों को क्षमा करते हुए उन्हें आशीर्वाद ही देती हैं। तो इसलिए हे मां, मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि इस संसार में मेरे समान दूसरा कोई पापी नहीं है, और आपके समान पापों को दूर करने वाला इस संसार में मुझे कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए हे मां, मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरे साथ जैसा आप उचित समझें वैसा व्यवहार करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। इस प्रकार से हम मां की अगर स्तुति करते हैं, मां के चरणों में बैठकर, मां अवश्य ही हमारी कामनाओं को पूर्ण करेगी। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय मां भगवती की के भजनों का बेला है, और मां भगवती के चरणों में बैठकर हम सब मिलकर मां भगवती के भजन गाएंगे। मैं सर्वप्रथम निवेदन करता हूं श्री सुरेश जी से, वह अपना एक भजन मां के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री सुरेश जी
जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय मां दे मेरा जीवन मां दे मेरा जीवन संसार के लिए हो पायो बे मेरा जीवन संसार के लिए हो पायो बे मेरा जीवन संसार उपकार के लिए हो ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो मायंबे मेरा जीवन संसार के सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन रिझाए 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 वह देखते ही कह दे वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो वह देखते ही कह दे प्यार के लिए हो मायंबे मेरा जीवन संसार के लिए हो मायंबे मेरा जीवन संसार के लिए हो ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के मायंबे मेरा जीवन हम में विवेक जागे
ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ
ਰੌਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇ ਨਾ ਦੱਸ ਮਈਆ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇ ਨਾ ਦੱਸ ਮਈਆ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇ ਨਾ ਦੱਸ ਮਈਆ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਜਗ ਅੱਗੇ ਕੁਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇ ਨਾ ਦੱਸ ਮਈਆ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇ ਨਾ ਦੱਸ ਮਈਆ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇ ਨਾ ਦੱਸ ਮਈਆ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮਲ ਲੈ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦਾ ਮਲ ਲੈ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ
दिल वाला दुखड़ा हसेगा ते सारा जग लाल लाल हसेगा रोवेगा ते हर कोई दूर दूर नसेगा रोवेगा ते हर कोई दूर दूर नसेगा रोवेगा ते हर कोई दूर दूर नसेगा हसेगा ते सारा जग लाल लाल हसेगा रोवेगा ते हर कोई दूर दूर नसेगा रोवेगा ते हर कोई दूर दूर नसेगा रोवेगा ते हर कोई दूर दूर नसेगा हर ऐरे गैरे नाल हाथ नहीं मलाई दा हर ऐरे गैरे नाल हाथ नहीं वाला दुखड़ा नहीं किसे सुनाएगा दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे सुनाएगा शेरा वाली मैया कोलो कदे ना लुकाईदा शेरा वाली मैया कोलो कदे ना लुकाईदा कदे दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे सुनाएगा दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे सुनाएगा चंचल सच सच कहन दी बीमारी है मैनू सारे जग बिच शेरा वाली प्यारी है मैनू सारे जग बिच शेरा वाली प्यारी है मैनू सारे जग बिच शेरा वाली प्यारी है हां चंचल सच सच कहन दी बीमारी है मैनू सारे जग बिच शेरा वाली प्यारी है मैनू सारे जग बिच शेरा वाली प्यारी है मैनू सारे जग बिच शेरा वाली प्यारी मेरे ते असर ना हुंदा किसे भी दवाई दा मेरे ते असर ना हुंदा किसे भी दवाई दा दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे सुनाएगा दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे सुनाएगा दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे सुनाएगा शेरा वाली मैया कोलो कदे ना लुकाईदा शेरा वाली मैया कोलो कदे ना लुकाईदा जयपाल जी से अपना एक भजन मांग चरणों में प्रस्तुत करेंगे जयपाल जयकारा शेरावाली दरबार की जय
से चल के आया, दूर से चल के आया तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। दूर से चल के आया, दूर से चल के आया तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। माँ भैया पहाड़ों वाली, माँ मेरी शेरों वाली, तेरा दरबार माँ प्यारा दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। भैया पहाड़ों वाली, माँ मेरी शेरों वाली, तेरा दरबार माँ प्यारा दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। दूरस चल के आया, दूरस चल के आया तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। दूरस चल के आया, दूरस चल के आया तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। तेरे द्वारे आते हैं ओ, दूर दूर से माँ भगत तेरे द्वारे आते हैं, दूर दूर से माँ भगत तेरे द्वारे आते हैं ओ, दूर दूर से माँ भगत तेरे द्वारे आते हैं, तेरे द्वारे आते हैं प्रेम से दर्शन पाते हैं, माँ तेरे द्वारे आते हैं प्रेम से दर्शन पाते हैं। ऊंचे पर्वत पे मैया, ऊंचे पर्वत पे मैया तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। ऊंचे पर्वत पे मैया, ऊंचे पर्वत पे मैया तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। माँ दूर से चल के आया, दूर से चल के आया तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। दूर से चल के आया, दूर से चल के आया तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। भैया पहाड़ों वाली, माँ मेरी शेरों वाली तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। मैया पहाड़ों वाली, माँ मेरी शेरों वाली तेरा दरबार माँ, प्यारा दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। जैसे
साथ तुन लाखों तारे हैं। ओ जानू जैसे माँ भगत तुन लाखों तारे हैं। मधु कैटप जैसे राक्षस मैया तूने मारे हैं। मधु कैटप जैसे राक्षस मैया तूने मारे हैं। भगतों के लिए मैया, भगतों के लिए मैया, तेरा दरबार माँ सुना दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को। भगतों के लिए मैया, भगतों के लिए मैया, तेरा दरबार माँ प्यारा दरबार माँ, दास खड़ा तेरे दर्शन को माँ। दूरस चल के आया, बस चल के आया तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। दूर से चल के आया, दूर से चल के आया तेरा दरबार माँ, तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। भैया पहाड़ों वाली माँ, मेरी शेरों वाली तेरा दरबार माँ, तेरा दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। भैया पहाड़ों वाली माँ, मेरी शेरों वाली तेरा दरबार माँ, प्यारा दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। अकबर अहंकारी माँ तुझे अजमाने आया था। 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 तेरी जोत बुझाने को लोहे का तवा चढ़ाया था। माते जोत बुझाने को लोहे का तवा चढ़ाया था। तवे फाड़ निकली ज्वाला, तवे फाड़ निकली ज्वाला, हुआ जय जयकार माँ, हुआ जय जयकार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। तवे फाड़ निकली ज्वाला, तवे फाड़ निकली ज्वाला, हुआ जय जयकार माँ, हुआ जय जयकार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को माँ। दूर से चल के आया, दूर से चल के आया तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। दूर से चल के आया, दूर से चल के आया तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। मैया पहाड़ों वाली माँ, मेरी शेरों वाली तेरा दरबार माँ, प्यारा दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। मैया पहाड़ों वाली माँ, मेरी शेरों वाली तेरा दरबार माँ, प्यारा दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को माँ। दूरस चल के आया, दूरस चल के आया तेरे दरबार माँ, तेरे दरबार माँ दास खड़ा तेरे दर्शन को। दूरस चल के आया, दूरस चल के आया
तेरे दर्शन को ओ माता सखड़ा तेरे दर्शन को माता सखड़ा तेरे दर्शन को माता सखड़ा तेरे दर्शन को जयकारा श्री वाली राज बोल सच्चे दरबार की जय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुर्भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रभण्णी नेत्रां धनुसर्जुता कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों इस प्रकार बड़े आनंद के साथ आज माँ भगवती जगजननी के चरणों में बैठकर हमने माँ की स्तुति की पाठ किया सत्संग किया। माँ भगवती से हम यही एक प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ इसे आप प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। माँ की ओर से आप सब भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संततिवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करुणे दानैकनिष्ठो भव तेजस्वी भव देरिदर्पदलने व्यापारदक्षो भव श्रीशम्भोर्भव पादपूजनरतः सर्वोपकारी भव मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव। माँ भगवती आप सब आए हुए भक्तों की दीर्घायु करें आपकी मनोकामना पूर्ण करें आपको संतान से युक्त करें धन धान्य से परिपूर्ण हो यशस्वी हो विद्वान हो अनेक प्रकार की दान करने में आपकी सामर्थ्य बनी रहे आप तेजस्वी बने आपके शत्रुओं का नाश हो व्यापार तथा कारोबार में आप दिन प्रतिदिन उन्नति को अग्रसर हो और माँ भगवती सदैव अपनी कृपा आप सब भक्तों पर इसी प्रकार बनाए रखे आपका तथा आपके परिवार का कल्याण हो मंगल हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो अब आरती की बेला है सभी भक्त बड़े प्रेम से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए भक्ति भाव से मिलकर माँ भगवती की आरती गाएंगे सब मिलकर के बोलेंगे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय ओम जय अम्बे गौरी
Thank you.
ਆਈ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਬੋਲ ਸਾਂਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਨਮਸਤਸਯੈ 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 ਨਮੋ ਨਮਃ ਨਮਸਤਸਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਨਿਦ੍ਰਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਨਿਦ੍ਰਾ ਰੂਪੇਣ ਨਮਸਤਸਯੈ 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 ਨਮੋ ਨਮਃ ਨਮਸਤਸਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਨਮਸਤਸਯੈ 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 ਨਮੋ ਨਮਃ ਨਮਸਤਸਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਛਾਯਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਛਾਯਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਨਮਸਤਸਯੈ 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 ਨਮੋ ਨਮਃ ਨਮਸਤਸਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਨਮਸਤਸਯੈ 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 ਨਮੋ ਨਮਃ ਨਮਸਤਸਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਨਮਸਤਸਯੈ 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 ਨਮੋ ਨਮਃ ਨਮਸਤਸਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਨਮਸਤਸਯੈ 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 ਨਮੋ ਨਮਃ ਨਮਸਤਸਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਲੱਜਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਲੱਜਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਨਮਸਤਸਯੈ 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 ਨਮੋ ਨਮਃ ਨਮਸਤਸਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੇਣ ਸੰਸਥਿਤਾ ਨਮਸਤਸਯੈ 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 ਨਮੋ ਨਮਃ ਨਮਸਤਸਯੈ ਨਮੋ ਨਮਃ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇਸ਼ੁ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰਵਭੂਤੇಷು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಬೋಲ ಸಾಂಚೇ ದರ್ಬಾರ್ ಕೀ ಜಯ ತೋ ಇಸ್ ಸಮಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪುಜಾರಿ ಜಿ ಮಾ ಭಗವತಿ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ಕೆ ಗುಫಾ ದ್ವಾರ ಪರ್ ಪಧಾರ್ ಚುಕೆ ಹೈ ಇಸ್ ದಿವ್ಯ ಗುಫಾ ಕಾ ಪೂಜನ್ ಕರೆಂಗೆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾ ಪೂಜನ್ ಹೋಗಾ ಉಸ್ಕೆ ಉಪರಾಂತ ಮಾ ಭಗವತಿ ಕಿ ಆರತಿ ಉತಾರಿ ಜಾಯೇಗಿ ಆರತಿ आप सब भक्तों के बीच में आएगी शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती की वंदना करेंगे तब तक माँ भगवती के नाम का संकीर्तन करेंगे सब मिलकर के बोलेंगे दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी
चीनी दुर्गे जय जय काल बिना चीनी काली जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल बिनाशिनी काली जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल बिना चीनी काली जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल बिनाशिनी काली जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल बिनाशिनी काली जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल बिनाशिनी काली जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल बिनाशिनी काली जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल बिनाशिनी काली जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल बिनाशिनी काली जय जय दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय काल बिनाशिनी काली जय जय प्रेम से बोलो जय माता दी थारे बोलो जय माता दी रल मिल बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी शेरा वाली जय माता दी बाड़ा वाली जय माता दी गुफा वाली जय माता दी चुड़िया वाली जय माता दी चोलिया वाली जय माता दी जोता वाली जय माता दी मामा काली जय माता दी खप्पर वाली जय माता दी लक्ष्मी मैया जय माता दी करुण द्वारी जय माता दी हरे खजाने जय माता दी सोलायाने जय माता दी सरस्वती माँ जय माता दी हंस सवारी जय माता दी विद्या दिंदी जय माता दी ज्ञान दिंदी जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो रल मिल बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोल सांचे दरबार की जय तो सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करेंगे ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतो निरामया सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः भक्तजन शांति पूर्वक बैठकर माँ भगवती की आरती का आनंद लेंगे अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं जय माता की गुरु जी को वंदना आज गले कल्याणी कल्याण मई आठ पहर जो सतगढ़ी जो Thank you.
Devi, 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 Dev
काली भद्रकाली कमाली दुर्गाशवाणी राधाती Yeah.